अब ध्यान से देखना मजेदार बातें शुरू होंगी डिफरेंट प्रोपेंसिटीज प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है टेंडेंसी प्रोपेंसिटी का मतलब टेंडेंसी योर टेंडेंसी टू कंज्यूम एक है एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो अलग अलग चीजें हैं एक एक करके बात करेंगे अभी हम बात कर रहे हैं एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे आपका कंजम्पन एक्सपेंडिचर कितना है? बहुत ही सिंपल सी बात है अब अगर इसको हम खुद ही कैलकुलेट करें तो आप बताएं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एपीसी कितना आ रहा है फॉर्मूला क्या है Consumption upon income. Anything divided by zero is not defined. Infinity lay low, dash lay low, not defined. Not defined. Next level. Consumption 120 upon 100. 1.20. 200 upon 200. 1. 280 divided by 300. Point थ्री नाइन थ्री 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 पॉइंट क्या शो कर रहा है ये बिहेवियर कैन एपीसी बी मोर देन वन यस यहां पे हो रहा है एपीसी मोर देन वन कब होता है एपीसी मोर देन वन

कोई भी डाउट इसमें no, sir. No, sir. अब मेरा क्वेश्चन आता है कैन एपीसी बी जीरो आंसर इज नो आंसर इज नो एपीसी जीरो होने के लिए सी जीरो होगा तभी एपीसी जीरो हो सकता है तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन उट सेम रीजन पे एपीसी कैन नेगेटिव होने के लिए तो जीरो ही नहीं हो सकता मतलब इतना कम हो ही नहीं सकता की वो जीरो हो जाए तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता बिकॉज कंजम्शन विल ऑलवेज बी अल्यू एपीसी का मीनिंग क्लियर एपीसी कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं क्लियर को ध्यान से देखेंगे Meaning of APC done, और कैसे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी हो गया अब जो मैंने अभी डिस्कस करा वो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी करते हैं कंजम्पन इज मोर देन इनकम ये कब होता है ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने से पहले कैन एपीसी भी इक्वल टू वन यस एट ब्रेक इवन पॉइंट वेन कंजम्पन इज इक्वल टू द इनकम APC is equal to one. Can APC be less than one? Beyond the break-even point. Beyond the break -even point, consumption is less than the national income. As a result, APC is le less, less, less than one. Can APC be less than one? Yes, when consumption is less than one. Important point. Eh? APC falls with an increase in income. Consumption increases with an increase in income. But because इनकम इज on एट अ सामने वैल्यू कंजम्पशन तो बढ़ती जा रही है 40 से फिर फिर लेकिन इनकम बढ़ी सौ से कंजम्पशन बढ़ी एट्टी से इनकम बढ़ी सौ से कंजम्पशन बढ़ी एट्टी से तो एपीसी गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है बट सर कंज़म्पशन तो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे इनकम कितने से बढ़ी हंड्रेड से यहाँ पे कंज़म्पशन कितने से बढ़ी एट्टी से यहाँ पे इनकम कितने से बढ़ी हंड्रेड से यहाँ पे कंज़म्पशन कितने से बढ़ी एट्टी से ये तो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है बेटा लेकिन जब हम एपीसी निकाल रहे हैं हम तो टोटल्स कंसिडर कर रहे हैं यस और नो Yes yes, sir. तो जब यहां से यहां आए तो इनकम टू हंड्रेड से बढ़ गई और कंजन तो सिर्फ से, से बढ़ी मतलब यहाँ पे चेंज आपका गैप था इनकम और कंजम्पन में सिर्फ ट्वेंटी रुपीज लेकिन जब टू हंड्रेड पे आ गए तो फोर फोर्टी हो गया जब थ्री हंड्रेड पे आ गए तो सिक्सटी हो गया हर हंड्रेड के इंक्रीज पे ट्वेंटी बच रहे हैं आपके यस और नो तो बट एटी अपॉन हंड्रेड वन सिक्स अपॉन टू हंड्रेड जो सेविंग वो एब्सोल्यूट चेंज बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है एपीसी तो टोटल ले रहा है ना टोटल कंजम्सन अपॉन टोटल इनकम तो न्यूमिनेटर भी बढ़ रहा है डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है बट डिनोमिनेटर फास्टर पेस पे बढ़ रहा है तो जो आपका रिजल्ट है मैथमेटिकली गिरेगा कि नहीं गिरेगा yes, इसीलिए

डाउट अब ध्यान से देखना थियोरेटिकली तो एपीसी के आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए डायग्रामेटिकली कैसे बनेगा